I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. वो चांद के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, उनका मुकाबला चाइना के साथ है, वो ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं, इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया को झुकाने का दम रखता है। आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. सुनते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा है, येलो रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है पूरे वर्ल्ड का। भारत तो ताइवान की एक कंपनी है, उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ और अब इंडिया में बनने जा रही है सेमीकंडक्टर चिप। अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन पे लग चुकी है, अमेरिका का जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है और चाहती, और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भारत में करने के लिए बड़ी बेताब है। हम अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़ी बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। भारत में एक चीज श्योर है, जब मोदी जी हैं और इन्होंने जो जो मैनिफेस्टो में बात करी थी वो इन्होंने पूरी करी है। पाकिस्तान को एक इरेशनल फियर है, फोबिया इंडिया का, कि हमें इंडिया मार देगा। और अमेरिकन्स को तो पता है इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर घुस के लाहौर को कब्जा करने का। 2022 में $27 बिलियन की इंडस्ट्री थी, 2026 में कंसीडर की जा रही है कि $55 बिलियन की ये इंडस्ट्री हो जाएगी और वर्ल्ड की जो डिपेंडेंस थी चाइना पर वो हटकर पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंस भारत पर होने वाली। आईटी में नंबर वन, खाना पीना वर्ल्ड फूड बास्केट वो नंबर वन। अभी आप ऐसे चाहते जाएं तो काफी फ्यू इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इंडिया नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ये टॉप फाइव में आगे पीछे है उसके नंबर। सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं, नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टीवेटेड एवरीवेयर। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसके बिना आप दुनिया नहीं चल सकती, ये बात आप मान के चलिए कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर्स का राजा बन सकता है बड़ी जल्दी। आप ये जो 1992 में 1991 में जो हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उसके रिजल्ट्स आप आज देख पा रहे हैं। मुंबई में भी कहा जाता है कि जो पहले था वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है, क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर? देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है, फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और बॉम्बे तो इतना फैल गया है और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से, तो बॉम्बे तो दुनिया एक और है। उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड, वो MQM की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल जहां पे उनकी क्लाउट है उनमें से एक सिटी है भाई, एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं, कैन यू बिलीव इट। एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं, और वहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। हाँ, कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता मानसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मानसून नहीं देखा, और मैंने पूरा एक हफ्ता मानसून इंजॉय किया पहले गोवा और बॉम्बे में, हर दिन मानसून ही था। जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक
बड़ी बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है, क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना, तो जी, क्या जी, आप यकीन समझते हैं कि यही है सूरत हाल? देखिए, पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुख होता है। लोग दोनों तरफ एक ही हैं, मेहनती हैं, उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो हुकूमतें आई, चाहे वो मिलिट्री वाली थी या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा। सवाए अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था, उसके बाद बस लूटमार, सियासी वो वेंडेटा, एक दूसरे के खिलाफ बगावतें, वो क्या कहते हैं नफरतें, ये वो करते करते, और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना ली है, उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है, जीरो ही हुआ है ना। मसलन मुझे राजन खन्ना जो हैं, जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है, सैद मिठा बाजार, वो मेरे दोस्त बॉम्बे भी रहते हैं, वो मुझे ले गए ताज महल होटल में, जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है, इस्टेब्लिश्ड 150 साल पहले पारसियों का है, बहुत बड़ा है, वो पूरा ताज महल ही है समझ ले, इतने कमरे और सबसे मॉडर्न। तो मुझे वहां पर के यार चलो वहां चल के वी विल हैव कॉफी एंड टी एंड ऑल, जब मैं एंटर हो रहा था इमीडिएटली आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो हैं टेररिस्ट 26 नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहाँ पे गोलियां चलाई और इर्द गिर्द के इलाके, लियोपोल्ड कैफे को भी मैंने देखा, एक है डेरीमान पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियां चलाई। और वहाँ पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से, तो इन्होंने गोलियां मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूँ। तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेरर स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है, ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं, इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहाँ पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना, अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते। इन्होंने भी वही कहा कि नहीं, इंडिया से झगड़ा करते रहो, कश्मीर के इशू को बुला के तो लगड़े, सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं, नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टीवेटेड एवरीवेयर, आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूँ,